नमस्कार, मंथन 2024 में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश की सबसे बड़ी सियासी जंग होने जा रही है और ऐसे समय में आम आदमी पार्टी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार को चलाने की जिम्मेदारी, आम आदमी पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी जिन नेताओं और जिन चेहरों पर है, उनमें से एक चेहरा इस वक्त मंथन 2024 में मौजूद है। स्वागत कीजिए दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज का। थैंक यू सौरभ जी, शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। चुनाव नज़दीक है, देश की सबसे बड़ी सियासी जंग होने जा रही है, आपके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ऐसा लग रहा है वो जेल में है अभी, ऐसा लग रहा है जैसे आपके हाथ पैर ही आपसे छीन लिए गए, काट लिए गए, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? देखिए, अगर इसको हम लोग एक कन्वेंशनल तरीके से देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी के नंबर एक के नेता, नंबर दो के नेता और अभी दो तीन दिन तक तो नंबर तीन और नंबर चार बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जेल में थे और ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन से पहले उनके बाहर निकलने की भी कोई उम्मीद नहीं है। और जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए तो पूरी दिल्ली के अंदर मैं समझता हूँ कि दो तीन दिन तो एक शॉक था। बहुत सारे लोगों को जो हमारे समर्थक हैं उनको भी ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, सारे नेता तो जेल के अंदर हैं, हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद आम आदमी पार्टी अब बिखर जाएगी, अब चुनाव नहीं लड़ पाएगी, सरकार नहीं चल पाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये लोगों के मन में डर था। मगर 22 तारीख से जिस तरीके से हमारे लोग सड़कों पे उतरे, हम लोगों ने प्रदर्शन किए, रोज़ हमारे बड़े बड़े नेता, मैं, आतिशी, सब विधायक डिटेन हुए, अरेस्ट किए गए, अगले दिन फिर अरेस्ट किए गए, छोड़े गए, तो लोगों को लगा नहीं अब ये लड़ेंगे, वो विश्वास वापस आया। और जैसे ही लोगों को लगने लगा कि नहीं, आम आदमी पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, ये लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ 23, 24, 25 तारीख से एक सिंपथी जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी मिलते हैं तो वो कह रहे हैं कि यार ठीक है, पॉलिटिक्स थी, झगड़ा था, मगर ऐसे अरेस्ट करना ठीक नहीं है। लोगों के मन में इस चीज़ की चुभन है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया ये ज़्यादा हो गया, इतना नहीं करना था, गिरफ्तारी तो उसकी वजह से जो है एक वेव बन रही है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का एहसास है। आप कह रहे हैं कि लड़ेंगे और एक वेव बन रही है, लेकिन इस गिरफ्तारी से आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो एक तरीका था अटैकिंग मोड था, हर बात पे अटैकिंग मोड पे जाते थे, करप्शन का मुद्दा हो, बीजेपी पे हो, धर्म का मुद्दा हो, वो राम के मंदिर जाते थे, आप हनुमान के मंदिर पहुंच जाते हैं। लेकिन पिछले एक महीने से ही हम देख रहे हैं पूरा घटनाक्रम हुआ है, थोड़ा सा आम आदमी पार्टी को डिफेंसिव मोड पे ले आई है बीजेपी, क्योंकि अब आप हमेशा ये बात कर रहे हैं हमें फंसाया गया है, हमारे नेता अंदर हैं, तो वो जो आक्रामकता आपको देखने को मिल रही वो थोड़ी कमी आ रही। मैं ये समझता हूँ कि ये बात आपकी ठीक है कि आम आदमी पार्टी का नेचुरल स्टाइल एग्रेसिव था, नेचुरल स्टाइल हमारा अटैक था, और जब पार्टी के सारे बड़े नेता जेल में हों तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर कमी आएगी। मगर जितने पॉलिटिकल ऑब्जर्वर से मैं बात कर रहा हूँ, पत्रकारों से बात करता हूँ, लोग ये मान रहे थे कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, लोग ये लग रहा था लोगों को कि अब ये सरेंडर कर देंगे, या तो ये बीजेपी के आगे सरेंडर कर देंगे, अब इनके ऊपर अटैक करना बंद कर देंगे, ये लोग बिखरने शुरू हो जाएंगे, इनके बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हो रहा। और जिस दिन से हम लोग सड़क पर उतरे हैं, लगभग रोज़ सुबह हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब आप एक बात सोचिए, ये पहली बार होगा, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा क्योंकि आप पत्रकार हैं, जिस दिन से हमने ये बात कहनी शुरू की है कि शराब घोटाले के अंदर जो सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी था शरद रेड्डी, जिसको ईडी कहती थी किंग पिन है, उससे भारतीय जनता पार्टी ने 55 करोड़ रुपए लिए, क्यों लिए? अब आप देखिए, उस दिन से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने, किसी प्रवक्ता ने उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके पास इसका जवाब नहीं है, वो बैकफुट पे हैं। हम कहते हैं कि जो दूसरा आरोपी था, जिसको आप दूसरा साउथ लोबी का किंग पिन बोलते थे, मगुंटा रेड्डी और उनका बेटा राघव रेड्डी, उसको एनडीए की तरफ से आप चुनाव लड़ा रहे हैं आंध्र प्रदेश में, क्यों लड़ा रहे हैं? उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो बेसिकली हम तो सवाल पूछ रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जवाब आ रहा ना किसी डिबेट में उनका। बीजेपी हमेशा ये सवाल पूछती है, आप कह रहे हैं कि हमें फंसाया गया है। भाई मनीष सिसोदिया के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट तक गए जी, वहां जमानत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी वहां जमानत नहीं मिली। तो ये कह रहे हैं कि अदालत भी तो है ना, अदालत क्यों इनको जमानत नहीं दे रही है अगर आप बेगुनाह हैं? कानून है सर। देखिए हम जब ये जमानत की बात सोचते हैं तो हम सोचते हैं सीआरपीसी और आईपीसी का कानून, जो ये कहता है कि आप किसी भी आदमी को निर्दोष मानेंगे जब तक उसके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं होता, साबित नहीं होता। इसलिए बेल जो है वो आपकी राइट है, आपका हक है। मगर पीएमएलए का जो कानून है, मैं आपके दर्शकों के लिए भी बताना चाहूँगा, पीएमएलए का कानून राजनीतिक अपराधों के लिए नहीं बना था। पीएमएलए का कानून बना था ऑर्गेनाइज ड्रग कार्टल्स के लिए, इंटरनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क्स के लिए, और इसलिए बनाया था कि अगर कोई आदमी किसी बॉम्बे जैसे राज्य को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ाना चाहता है तो आप उसको जमानत नहीं देंगे, आप उसको पहले अरेस्ट करेंगे और तब तक जेल में रखेंगे जब तक वो आदमी साबित नहीं कर देता कि वो बेकसूर है। इसीलिए उस कानून का फायदा उठा के आपने अब अपने राजनीतिक विरोधियों को अंदर डालना शुरू कर दिया है। और उस कानून की ये पेचीदगी है कि जब तक पूरा ट्रायल खत्म हो के उनको इसके अंदर ये नहीं मिल जाता कि ये आदमी आरोप, ये आदमी जो है गुनाहगार नहीं है, तब तक आप उसको नहीं छोड़ सकते। अब संजय सिंह के मामले में क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई लोगों के मन में आएगा कि ये मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के मामले में फर्क क्यों है। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप इस मामले में बहस करेंगे तो हम इसके अंदर ऑर्डर लिखेंगे, और अगर हमने आपका ऑर्डर लिखा तो आपका ये पूरा का पूरा केस जो है चरमरा के गिर जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए और ताकि वो केस जो है मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो जो पूरा ट्रायल है चलता रहे, अपनी इज्जत बचाने के लिए ईडी ने कहा कि ठीक है साहब, हम इसको बहस ही नहीं करेंगे, आप इस पे ऑर्डर मत दीजिएगा फैक्ट्स पे। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के मामले में वहां भी कुछ टिप्पणियां अब आएगा कि हाँ हमें अभी लग नहीं रहा है कि हम जमानत बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष जी के मामले में भी ये कहा कि जो 100 करोड़ की पूरी कहानी ईडी कह रही है ये मैटर ऑफ डिबेट है, और उन्होंने यह भी कहा कि 3 महीने में ट्रायल शुरू नहीं होती तो मनीष सिसोदिया वापस आए। अब आप देखिए कि मनीष सिसोदिया सीधा नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, अभी ट्रायल कोर्ट में है, हाई कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही जाएंगे वहां जमानत मिलेगी, क्योंकि मनीष जी के वकील ने भी तब यही कहा था कि साहब ये ट्रायल जो है शुरू नहीं करेंगे, मुकदमा शुरू ही नहीं करेंगे, और ये मेरे को जेल में हमेशा। लेकिन दिल्ली की जनता समझेगी ये कि पीएमएलए ऐसा होता है, ईडी की कार्रवाई ऐसी होती है, वो कन्वे नैरेटिव होगा, जनता तक जाएगा, या जो बीजेपी ने एक नैरेटिव बना दिया है हम भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विपक्षियों को फंसा रहे हैं, जनता इन दोनों नैरेटिव में किसको लेगी? मैं बताता हूं, देखिए क्या था, भारतीय जनता पार्टी को यही लगता था, क्या था, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दिनों तक नैरेटिव चलाया आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, इन्होंने चोरी की, इन्होंने डाका काढ़ा, इन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, ये सब नैरेटिव चलाया। कहां से शुरू हुआ नैरेटिव? ये नैरेटिव शुरू हुआ कि कई हजार करोड़ का घोटाला हुआ, फिर ये नैरेटिव घटके बना कई सौ करोड़ का घोटाला हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मनीष सिसोदिया जी का मुकदमा चला तब ये 100 करोड़ का घोटाला हो गया। अब जब ये संजय सिंह जी की बेल हो रही है, इस पर बहस हो रही है, तब ये 45 करोड़ की बात कर रहे हैं। और अगर आप चार्जशीट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आरोप ये है कि गोवा के चुनाव के अंदर 70-80 लाख रुपए की कैश ट्रांजेक्शन हुई। आप सोचिए कहां हजारों करोड़ का घोटाला और कहां 70-80 लाख की कैश ट्रांजेक्शन। मैं जानता हूं दिल्ली के लोग भी हैं, कोई आदमी अपनी बेटी की शादी, आप भी प्रभारी थे, आपको भी नहीं, मैं तो प्रभारी नहीं था। दिल्ली के अंदर अगर कोई आदमी अपनी बेटी की शादी भी करता है ना, उसमें भी 5-6 लाख रुपए के कैश ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। आपने पूरा गोवा का चुनाव लड़ा, हर सीट के ऊपर आपका कैंडिडेट लड़ा, उस पर भी आरोप सिर्फ इतना ही है कि आपके पास 70-80 लाख रुपए के कैश ट्रांजेक्शन है। कहां आप हजारों करोड़ के घोटाले की बात कर रहे थे? तो आप कह रहे हैं कि राजनीति, 70-80 लाख आप कह रहे हैं कि राजनीति में ये चलता है, 40-50 करोड़ ये जबरदस्ती किया गया, ये पूरा हवा में, मैं बता तो रहा हूं, ये पूरा का पूरा हवा में। अब आप इस बात को समझिए, एक तरफ तो ये सिर्फ आरोप है कि इन्होंने पैसे लिए, वो पैसे कैसे इनके पास पहुंचे कोई सबूत नहीं, वो पैसे किसी के घर मिले कोई सबूत नहीं, किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी कोई सबूत नहीं, आपने 500 से ज्यादा जगह छापे मार लिए कहीं कोई पैसा नहीं मिला, ठीक है, एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्साइज मामले के प्रमुख आरोपी जिसको आप किम पिन बताते हैं,
उससे भारतीय जनता पार्टी ने 45 करोड़ रुपए ले लिए, वो भी जब वो आरोपी था, उसके बाद आपने उससे 55 करोड़ रुपए ले लिए, माफ कीजिएगा 45 नहीं 55 करोड़। तो लोगों को इस चीज समझ में आ रही है ठीक यार, इनका तो पैसा तुम दिखा नहीं पा रहे, तुमने उनसे पैसा लिया हुआ है। अब आ जाते हैं दिल्ली पे और अरविंद केजरीवाल पे। एक होती है जिद और एक होती है स्ट्रेटेजी। आपने क्या ये जिद बना रखी है या कोई स्ट्रेटेजी है कि अरविंद केजरीवाल को हम जेल से ही मुख्यमंत्री बना के रखेंगे? क्योंकि प्रैक्टिकली इसे देखा जाए, एक तो ये पॉसिबल नजर नहीं आता, और दूसरा व्यवहारिक रूप से ये दिल्ली की जनता का नुकसान है। हर ऑर्डर अगर दिल्ली जेल जाएगा, पास होने वो पास होगा, अथॉरिटी होगी। अभी आपने दो मैसेज भेजे, बीजेपी कोर्ट में पहुंच गई, तो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं लगता, तो ये जिद है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए अगर इसके अंदर कोई दिक्कत होती तो हमारे कानून में इसके लिए प्रावधान होता। अब तक भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रॉक्सी लोग दिल्ली हाईकोर्ट जा चुके, 3 बार अलग अलग बार जा चुके हैं PIL लेके, रिट लेके, कि अरविंद केजरीवाल आज जेल के अंदर हैं वो सरकार नहीं चला सकते। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भाई वकील साहब आप कोई ना कोई कानून की धारा बता दो कहां लिखा है। अब अगर हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जिन्होंने बनाया, उन्होंने ये सोच समझ के ही डाला ना, कि उन्होंने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि राजनीतिक लड़ाई झगड़े हो, किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाए, बीजेपी इसमें ये प्रावधान हो, रोक रहा हूं, बीजेपी कभी प्रावधान नहीं दिया गया। बीजेपी या दूसरे ये तर्क दे रहे हैं कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखा हुआ था, ये किसी ने नहीं सोचा था कि कोई भी चीफ मिनिस्टर, ये पहली बार हो रहा है देश के इतिहास में कि कोई भी चीफ मिनिस्टर जेल से सरकार चलाएगा, तो इसको लेकर संविधान में कोई व्याख्या ही नहीं थी। ये परिस्थिति अब 2024 में आई है। मैं आपको बताता हूं, देखिए कानून हमेशा उस चीज का बनता है कि ये आपको करना है। कानून के अंदर कभी ये नहीं लिखा कि माँ अपने बच्चे से प्यार करेगी और बच्चे अपने माँ से प्यार करेंगे, ये कानून में नहीं लिखा। कानून में ये लिखा है कि अगर माँ को बच्चे निकाल देंगे तो उसकी क्या सजा है, क्या चीज नहीं करनी उसके लिए कानून बनता है, क्या चीज करनी है उसके लिए कानून नहीं बनता। अगर उनके अंदर ये होता कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार ना चला सके तो उसके लिए कानून होता। समझ रहे हैं आप बात को? कानून नहीं बनाया तो इसकी बेसिक प्रिंसिपल ही ये है। हेमंत सोरेन है, उन्होंने किसी और को बना दिया, और भी रहे लालू प्रसाद यादव, जो भी चीफ मिनिस्टर गए उन्होंने दूसरों को जिम्मेदारी दी। अब आप ये सोचिए कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ना रहे, ये पेट में दर्द किसके है सबसे ज्यादा? भारतीय जनता पार्टी के। ये सलाह बिना मांगे कौन दे रहा है हमको? भारतीय जनता पार्टी की। भाई आप अपना मुख्यमंत्री बदल दो। क्यों बदल दे भाई? तुम क्या हमारे शुभचिंतक हो? तुम हमारे सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन, तुम दिल्ली वालों के सबसे बड़े दुश्मन, तुम्हारी राय हम मान लें। जो हमारी अपनी राय है, विधायकों की राय है, दिल्ली वालों से हमने राय मशवरा किया, वो ना माने तुम्हारी मान लें। क्यों मान लें तुम्हारी? या तो तुम कानूनी राय दे रहे हो, वो भी नहीं है, कानून भी तुम्हारी राय नहीं मान रहा, कोर्ट भी तुम्हारी राय नहीं मान रहा, क्यों मान लें? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 25 साल से सपना देख रही है कि मुख्यमंत्री जो है वो लोग बने, वो लोग नहीं बनेंगे। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी से हटाना है तो चुनाव हरा के हरा पाएंगे आप, ऐसे नहीं हरा पाएंगे। दिल्ली के लोगों ने उनको मैंडेट दिया। इसमें एक तरकीब भी दी जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के पास चेहरे नहीं है, अरविंद केजरीवाल अगर लाइन से हट जाएंगे तो नुकसान सीधा आपको होगा। नहीं, एक बात बताइए, हमारे तो कोई परेशानी नहीं है, हम तो आराम से मस्त बैठे हैं। बीजेपी परेशान है, कभी वो डिबेट में जा रही है, कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कभी वो प्रॉक्सी लोगों को हाईकोर्ट भेज रही है, परेशान वो है। सरकार हमें चलानी है, परेशान बीजेपी है कि निजी नहीं सरकार नहीं चल पाएगी। अरे तुमसे पूछा है किसी ने? तुम्हें चलानी है, जिसे सरकार चलानी है उनकी चल रही है, तुम कह रहे नहीं जी नहीं, नहीं नहीं चल पाएगी, कमाल की बात है। अच्छा, सरकार चल रही है। एक और सवाल जो पूछा जा रहा है सुनीता केजरीवाल को लेकर, अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी है, कि वो अंदर विधायकों से मिल रही हैं, बातचीत चल रही है, तो ये अंदर क्या खेला चल रहा है? क्या सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है? ये भी खबर आई कि हो सकता है वो गुजरात चुनाव प्रचार करने जाएं। देखिए ऐसा है कि क्योंकि अरविंद जी जेल में हैं तो उनको मिलने की परमिशन जो है वो सुनीता जी को ही है, वही मिलती है उनसे रोज, और परिवार को ही परमिशन मिलती है। हम तो अभी कुछ दिनों में डालेंगे, कोशिश करेंगे कि मंत्रियों को भी मिलने की परमिशन मिले, मगर वो भारतीय जनता पार्टी उसमें बहुत जोर लगाएगी कि मंत्रियों को मिलने पॉलिटिकल मेरा सवाल पॉलिटिकल चेहरा बनाए। हाँ, तो क्योंकि मुख्यमंत्री की पत्नी होने के नाते वो ही उनसे तिहाड़ में मिलती हैं, कस्टडी में मिलती हैं, तो वो ही विधायकों का मैसेज उन तक ले जाती हैं और वही मुख्यमंत्री जी का मैसेज विधायकों और मंत्रियों के लिए लाती हैं। अच्छा, मैं सीधा सवाल पूछूं, क्या भविष्य में सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? ऐसी संभावना, ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसे सिद्धांत आपको?
देखिए ये तो मेरे जैसे आदमी के लिए कहना बहुत मुश्किल है, संभावना है। अगर अगर कोई इस तरीके की संभावना होगी तो पार्टी जो है डिसीजन लेगी उसके बारे में। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी हमारी पार्टी की अपनी एक पूरी की पूरी एक तय तरीके से काम करती है। उसका नकार नहीं रहे, मतलब आप किसी भी चीज़ को नहीं नकारना चाहिए। नकारना क्यों चाहिए? आप आ जाए हमारी पार्टी में, हो सकता है आप मुख्यमंत्री बन जाए, कभी कोई भी बन सकता। नहीं, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी परिवारवाद के खिलाफ सवाल उठाती थी वही अब क्या परिवारवाद को कहीं आगे ना बढ़ा दे। नहीं, ये सवाल कौन उठा रहा है? भारतीय जनता पार्टी? हाँ, विपक्षी उठाएंगे। जिसके अभी अभी गौरव भाटिया जी आए जिनके पिताजी खुद पॉलिटिक्स में थे, या अनुराग ठाकुर जिनके पिताजी खुद बीजेपी में थे, या बांसुरी स्वराज जिनकी माताजी खुद बीजेपी में थी, या राजनाथ सिंह जिनके बेटे जो हैं यहाँ के नोएडा में ही वो हैं विधायक हैं, कौन उठा रहा है सवाल? और अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, और सवाल उठाए तो आप लोग उठाएं। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है उठाने वाली सवाल? जिनके यहाँ जो 3600 डायनेस्टी चल रही हैं, खूब तो चल रही हैं उनके यहाँ, उनको कौन ये लाइसेंस देता है कि तुम सवाल उठाओ? आप उठाइए। ठीक है, मैं थोड़ा सा, और आप तब उठाएंगे जब बनेंगी। ठीक है, वो तो जब हमारा तो काम ही सवाल उठा रहा है, हमारा तो धर्म ही सवाल उठा रहा है, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड, हमें आपके सवाल पे एतराज नहीं है, हमें भाजपा के सवाल पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको ले जाता हूँ। 2011-12 में, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत हुई है या उसका जो निर्माण हुआ है वो था भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज लगभग एक दशक के बाद आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे भ्रष्टाचार में गिरफ्त में है। भ्रष्टाचार ना सिर्फ नेताओं पे, पूरी आम आदमी पार्टी, जो ईडी की रिपोर्ट है वो तो आम आदमी पार्टी को अक्यूज बना रही है। ये सोचा था राजनीति इस मोड़ पे ले आएगी? आपने कभी सोचा था ऐसे? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में किसी ने नहीं सोचा होगा। जो लोग आज, एक बड़ा अच्छा आर्टिकल, मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे, आई थिंक उनका नाम रॉबर्ट कुछ करके हैं उनका नाम, उन्होंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा कि जो लोग अरविंद केजरीवाल जी को पिछले 20 सालों से 30 सालों से जानते हैं, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी देखी है, वो कभी सपने में भी ये बात नहीं सोच सकते, ना वो मान सकते कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेंगे। और हम जैसे लोग जो उनके साथ, मतलब इतने करीब से हमने उनको देखा है, ऐसा आदमी जिसने अपनी IRS की नौकरी छोड़ दी हो, IIT के बाद अच्छी खासी उनकी प्राइवेट नौकरी लगी वो छोड़ दी हो, जो सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर RTI की कैंपेन चलाते हैं, उनके पास बहुत मौके थे। लेकिन अन्ना हजारे और कुमार विश्वास तो कह रहे थे हमें तो पहले से पता था। अब देखो, उनको पहले से पता था तो वो क्यों थे वो हमारे आंदोलन में? अगर पहले से पता था तो फिर क्यों थे वो? क्यों राज्यसभा मांग रहे थे हमारी पार्टी में? उन्हें पहले से पता था। ये जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जो जाएगा, अगर आप उसका इंटरव्यू ले लो, वो भारतीय जनता पार्टी को गालियां देगा। अगर ED डरा देगी तो ही नहीं देगा। जो पार्टी छोड़ के जाता है, उसके मन में जो है उस पार्टी के प्रति कटुता रहती है, वो ये सब बातें कहता है, ये बड़ा नेचुरल है। आप शत्रुघ्न सिन्हा साहब से पूछेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात बोलेंगे। ठीक है, नेचुरल है। तो आप एक नारा लेकर आए थे कि हम नई किस्म की राजनीति शुरू करेंगे। अभी मौजूदा परिस्थितियों में इंडिया अलायंस बना है, उसमें वाकई में आपने एक नई किस्म की पॉलिटिक्स शुरू की है। दिल्ली में कांग्रेस से आपका गठबंधन है, वहां दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ लड़ रहे हैं। पंजाब में उसी विचारधारा, उसी पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये लग रहा है कि अवसरवादिता जीत, ये प्रथम हो गया, विचारधारा अब राजनीति में पीछे चली गई है? नहीं, मैं आपको बताऊं, इस तरीके की अलायंस पॉलिटिक्स देश में बहुत सालों से रही है। लेकिन ऐसा नहीं कभी देखा कि एक स्टेट में आप दोस्त हैं और दूसरे स्टेट में आप दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं ना, लेफ्ट का और कांग्रेस का अलायंस आज से नहीं, यूपीए के जमाने से, मगर केरल में हमेशा आमने सामने लड़ते हैं। लेफ्ट ममता बनर्जी और कांग्रेस का अलायंस कई बार होता है, उसके बावजूद भी जो है वो बंगाल में आमने सामने लड़ते हैं। तो ये सारी चीजें तो होती हैं। PDP के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था, PDP के बारे में भारतीय जनता पार्टी के क्या विचार हैं वो हम सबको मालूम है। और ये तो छोड़िए, नीतीश कुमार का जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस होता है वो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री होते हैं। जिस दिन अलायंस टूटता है उस दिन कहते हैं देखो बिहार के अंदर जहरीली शराब से जो है मौत हो गई। अनुराग ठाकुर आ जाए थे और वो तो कह रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी तो बड़े दावे करती थी कि हम कांग्रेस का साथ कभी नहीं लेंगे, आज उनके साथ लड़ रहे हैं। देखिए, हमारी जो लड़ाई थी वो सत्ता में जो था और उसका भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ थी। थोड़ा सा, और मैं आपको नहीं, मैं आपसे ईमानदारी से पूछूंगा, आपको इसके एग्जांपल दूंगा और आप उसको मानेंगे। मैं अपना नहीं,
मैं अपने राजनीतिक विरोधी का एक एग्जाम्पल दूंगा, प्रशांत भूषण जी को जानते हैं आप। प्रशांत भूषण जी जब ये कोलगेट 2G वगैरह होता था तो सबसे मुखर आदमी थे जो कोर्ट में कांग्रेस की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और भारतीय जनता पार्टी उनकी एक एक जजमेंट को रोज सोशल मीडिया पर डालती थी और रोज उनके प्रवक्ता कोट करते थे कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज प्रशांत भूषण जी इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा कर रहे हैं, आज कांग्रेस डाल रही है उनके बारे में, जो वो अच्छी चीज कर रहे हैं उसके बारे में कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी डाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रशांत भूषण पहले बीजेपी में थे अब कांग्रेस में आ गए, या तब प्रशांत भूषण क्यों बीजेपी से जो है मदद लेते थे और अब कांग्रेस से मदद ले रहे, ऐसा नहीं है। हमारी लड़ाई सत्ता में रह रहे लोगों के दमन के खिलाफ है। जब कांग्रेस दमन करती थी हम उनकी लड़ाई लड़ते थे और जो लोग हमारे साथ आना चाहते थे, कांग्रेस ठीक हो गई है इस बता तो रहा हूं, तो जो लोग हमारे साथ आना चाहते थे हम उनकी मदद लेते थे। आज सत्ता के अंदर जो नशा सत्ता का भारतीय जनता पार्टी को है और जिस तरीके से दमन आज देश में हो रहा है, तो जो जो लोग उनसे पीड़ित हैं वो सब साथ आ रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? जो लोगों को लग रहा है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोका गया तो हो सकता है देश के अंदर चुनाव ही बंद हो जाए। अब चुनाव बंद हो जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है थ्योरेटिकली बंद हो जाए, थ्योरेटिकली तो रशिया भी डेमोक्रेसी है। थ्योरेटिकली तो अभी अभी जो इलेक्शन हुए हैं रशिया में उसके अंदर जो पुतिन है वहां के राष्ट्रपति, उनको 87% वोट मिले, 87% वोट्स क्यों मिले? क्योंकि जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने सबको खत्म कर दिया, जो मेन अपोजिशन लीडर थे उन्होंने उनको जेल में डाल दिया और पिछले महीने उनकी भी मौत हो गई। तो पुतिन के खिलाफ सिर्फ 2-3 नाम मात्र के लोग चुनाव लड़े, किसी को 4%, किसी को 3%, किसी को 4.5% वोट मिले, पुतिन को 87% वोट मिल गए। तो पुतिन अगर आज अंतरराष्ट्रीय उसमें जाएंगे तो ये कोई ना कहेंगे वो डिक्टेटर है, तो वो कहते हैं भाई मेरे यहाँ डेमोक्रेसी है। इसी घटनाक्रम को इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं जी कि आज लोकतंत्र में जी व्यक्तिवाद ज्यादा हावी हो रहा है संगठन से ज्यादा। अब बीजेपी ले लीजिए वहां नरेंद्र मोदी हावी है, आम आदमी पार्टी ले लीजिए वहां पे अरविंद केजरीवाल हावी है। आपके पास आज दूसरा चेहरा नहीं है कि आप अरविंद केजरीवाल को हटा के उनको मुख्यमंत्री बनाए। तो ये जो व्यक्तिवाद है, ये जो ब्रांडिंग हो रही है व्यक्ति की, ये भी तो हावी हो रही है ना, ये तो मानेंगे ना आप? मेरे हिसाब से देखिए इसको व्यक्तिवाद ना कह के ये कह सकते हैं जो जनता का इमोशनल कनेक्ट है ना वो कभी कभी किसी किसी नेता के साथ होता है। एक समय में इंदिरा गांधी जी के साथ था, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ था, मोदी जी के साथ है, बंगाल में जाओगे तो ममता बनर्जी के साथ है, तेजस्वी यादव उसमें नहीं है, क्या कहते हैं पावर में नहीं है, मगर उनके साथ भी लोग का बहुत कनेक्ट है। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी के साथ कनेक्ट है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की वो जो जेल वाली फोटो है आपने देखा होगा, जिस दिन संजय सिंह छूटे उनके पोडियम पे उनकी जेल वाली फोटो लगी। अब वो क्या स्ट्रेटजी में हम देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। सुनीता केजरीवाल दे रही हैं उनके पीछे सलाखों वाली फोटो है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां केजरीवाल के, वो क्या स्ट्रेटजी? अब आप ये समझिए। और सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसके है? भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है। देखिए आप इस बात को समझिए, ये देश की जनता बड़ी अजीब है। एक समय था इंदिरा गांधी देश में इतनी अनपॉपुलर हुई इमरजेंसी के कारण कि जनता पार्टी की सरकार बनी और इंदिरा गांधी को लोगों ने हरा दिया, जनता पार्टी की सरकार बन गई और इंदिरा गांधी को अनपॉपुलैरिटी के कारण हरा दिया गया 77 के अंदर। जनता पार्टी की सरकार ने एक गलती कर दी, अनपॉपुलर रहते हुए भी इंदिरा गांधी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। एक दिन इंदिरा गांधी अरेस्ट हुई, लोगों के अंदर इतना सेंटिमेंट खड़ा हुआ कि यार ये सब ठीक था, हमने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया, मगर यार आप जेल में डाल दोगे? यहां तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पॉपुलर हैं, अनपॉपुलर नहीं है, 70 में से 62 सीट जीतने वाले आदमी हैं। और जिस जिस चैनल ने पिछले 5 सालों के अंदर मुख्यमंत्रियों का सर्वे कराया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं हर बार शुरू के 3 पॉपुलर मुख्यमंत्रियों में पूरे देश में अरविंद केजरीवाल ने पॉपुलर। अब आप ये बात बता रहा हूं, मेरी बात बस थोड़ी सी बची है, जब आपने इतने पॉपुलर आदमी को जेल में बंद कर दिया तो जनता को यह चीज पसंद नहीं आई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत परेशानी हो रही है कि ये अरविंद केजरीवाल की जैसे ही जेल वाली तस्वीर लगती है उनके कई हजार वोट जो है। आपने पॉपुलैरिटी की बात की है, लेकिन अगर हम पिछले चुनावों के रिवाज को देखें, खासकर दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल विधानसभा में तो पॉपुलर है, बड़ा ब्रांड है, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आते हैं दिल्ली वाले सारे मोदी जी को वोट दे देते हैं, ये ट्रेंड कैसे तोड़ेंगे आप? मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसके अंदर आप लोगों की मनोस्थिति समझिए और आप समझ सकते हैं क्योंकि आप पत्रकार हैं।
दिल्ली के अंदर मोटे तौर पे करीब 30% वोट कोर बीजेपी का है और करीब 30% वोट कोर आम आदमी पार्टी का। मैं बराबर रख रहा हूं, ऊपर नीचे नहीं कर रहा ताकि विवाद ना हो। 40% वोट एक फ्लोटिंग वोटर है जो कहता है विधानसभा है यार, अरविंद केजरीवाल ठीक है, अरविंद को जिता दो, इनको मुख्यमंत्री बना दो। अच्छा, लोकसभा है, प्रधानमंत्री मोदी जी को बना दो, ठीक है। अब यही वो 40% वोटर था जो लगातार अरविंद केजरीवाल जी को भी कहता था कि यार आप मोदी जी से लड़ाई क्यों करते हो, आप मिलकर काम क्यों नहीं करते, आप उन्हें क्यों अटैक करते हो। और अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी ये राय मानते हुए आप देखोगे 2019 में, 20 में, 21 में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई पर्सनल अटैक, ये मानते हैं आपकी मोदी जी को अटैक करना नुकसानदायक था, नहीं किया हमने, नहीं पहले जो करते थे वो उससे नुकसान पहुंचा था। हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, जो 40% न्यूट्रल वोटर बैठा ना, जो ना उनका है ना हमारा है, वो हमें कहता था यार हमें बुरा लगता है, आप अटैक मत करो। नहीं किया अरविंद जी ने 3 साल अटैक उनको, और लोगों ने ये चीज देखी दिल्ली वालों ने कि 3 साल अटैक करने ना करने के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारी तमाम लीडरशिप को जेल में डाल दिया, एक झूठे आरोप में जेल में डाल दिया, जिसकी गवाही पे जेल में डाल दिया, जिसको किंग पिन बता रहे हैं उससे खुद 55 करोड़ रुपए ले लिए आपने। तो आज वो जो जनता है ना, वो जो 40% है वो ये कह रही है, अब आखिर में मैं जल्दी से वो जो 40% जो जनता है ना वो कह रही है यार बीजेपी ने फाउल किया। आखिर में जल्दी से आपसे सवाल, क्योंकि अब आपके नाम भी आए हैं सामने, सौरभ भारद्वाज का, आतिशी का, अदालत में आपने सुना ही होगा नाम लिए गए, तो ऐसा क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि हमें भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसा खौफ डर कोई गिरफ्तारी का? नहीं देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। अगर कोई लीगल चीज़ होती, कोई आप एक बात कही, कोई ऐसा केस होता है क्या जिसके अंदर 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और अभी तू आ जा, अच्छा अब तू आ जा, अच्छा अब तेरा नाम भी आ गया, तू भी आ जा, अच्छा अब तेरा भी नाम, मतलब एक ऐसा मुकदमा जिसके अंदर आपने 60-70 लाख रुपए की कैश ट्रांजेक्शन का आरोप है और उसमें आपने सारे के सारे नेता गिरफ्तार कर लिए, करे ये सब जो है इसी के अंदर, इसी 70 लाख रुपए को गिनने में ये सब लगे हुए थे, ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है कि आप, अब आप कह रहे हैं कि जी आतिशी भी इसी में जाएंगी, सौरभ भी इसी में जाएंगे, इनके बाद कोई और आएंगे वो भी इसी के अंदर जाएंगे, ये तो गुंडागर्दी है। ये तो आप ये समझिए, ये जो मेरे सवाल हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे, मैं सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जनता कैसे पूछे, जनता के पास साधन नहीं है, मैं पूछूंगा, मैं नहीं तो कोई और पूछेगा। अब जो सवाल पूछेगा आप उसको जेल के अंदर डालेंगे, आप उसको ये सिर्फ कहकर डराएंगे कि तेरे को भी अंदर देंगे, तेरे को बताएंगे बेटा तू बहुत बोल रहा है। संजय सिंह जब अंदर गए क्या कहते थे सारे भारतीय जनता पार्टी वाले, कहते हैं बोलता बहुत था, आप पूछ लो जनता से, कोई ये नहीं कहता था कि इसने कुछ भ्रष्टाचार किया है, सारे कहते थे अरे ज्यादा बोलता था ना इसलिए इसको अंदर दिया है। तो ये तो मतलब यही तो गुंडागर्दी है। ये जो हमने बोला हमने देश को आजाद कराया, किस चीज से आजाद कराया भाई, ट्रेन रेलगाड़ी तो अंग्रेज भी बनाते थे, राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों ने भी बना रखा था, हाईवे अंग्रेज भी बनाते थे, मेरी बात सुन लीजिए, सब कुछ अंग्रेज करते थे। अंग्रेज सिर्फ एक प्रॉब्लम करते थे कि आपको बोलने की आजादी नहीं थी, जो बोलेगा उसको जेल में डालेंगे, जो सवाल पूछेगा उसको जेल में डालेंगे। आज वही तो बना दिया आपने हिंदुस्तान को कि जो इनसे सवाल पूछे उसको डराते हैं कि तेरा नंबर है, तेरा नंबर है, क्यों भाई, होगा तो होगा, हम तो बोलते रहेंगे। अब संजय सिंह जी ने भी तो ही किया, तुमने 6 महीने डाल दिया अंदर, वो आए वो फिर बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, अब ये दिल्ली के जनता के विवेक पे है, वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी किसके मैसेज को लेती है और किस सोच के साथ वो वोट डालने जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। को पावर्ड बाय राकेश मसाले, असली स्वाद बाटने से बढ़ता है। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन भरोसा 35 सालों का सर्वकॉन। नजदीकी डीलर पर जाएं, यूटीएल सोलर सन प्लस फ्री पाने का मौका पाएं। वेलकम टू एक्सो विनिंग्स। प्लेयर में आग हो और शातिर दिमाग हो तो गेम कभी भी पलट सकता है, तो जूपी पे खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। क्या बोला है, रोंगटे खड़े हो गए मेरे भी।